सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अमेजिंग हज़ारी पर। मैं हूं अबरार हज़ारी। दोस्तों अभी जो मैंने आपको पहले बताया था कुछ दिन पहले कि बालवीर की शूटिंग रुक चुकी है और भी बाकी जो दूसरे सारे सीरियल थे, वेब सीरीज थे, मूवीज़ थे या टीवी एड्स आने वाले थे, सब की शूटिंग रुक चुकी है। तो बालवीर की भी शूटिंग रुक चुकी थी तभी, और अब जो ये मंडे आया है इसके बाद अभी बालवीर का अपडेट आना भी बंद हो गया है। अब बालवीर का अपडेट आना अगर रुक गया है तो देखते हैं कि मैंने टीवी पर नहीं देखा कि टीवी पर क्या हो रहा है, तो आज मैं देखूंगा चेक करके कि टीवी पर क्या दे रहे हैं लोग। जबकि सोनी लिव ऐप पर तो बालवीर का अपडेट नहीं आया, मैं कल पूरा दिन इंतज़ार में ही था कि क्या आएगा या नहीं आएगा। ये बात तो पहले से पता थी कि बालवीर की जो शूटिंग है वो रुक चुकी है और आगे एपिसोड भी कंटिन्यू नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सेम मैं फिर भी इंतज़ार करता रहा कि हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि 9 बजे के बजाय 11 बजे अपडेट आ जाता है, ऐसा होता है। तो मैं इसलिए इंतज़ार में था कि हो सकता है कि बालवीर का ले जो है एपिसोड वो थोड़ा लेट से है, लेकिन पूरा दिन बीत गया। और लेकिन मैंने टीवी में चेक नहीं किया कि टीवी में कौन सा एपिसोड दिए हैं। अब मैं टीवी में भी देख लूँगा आज रात को, कि फिर मैं कैचअप भी देख सकता हूँ पीछे करके जियो टीवी में, तो मैं कहीं से भी चेक कर लूँगा थोड़ी देर में कि क्या टीवी में। तो वही हम ये श्योर है कि वही जो पुराने एपिसोड्स हैं उसको ही वापस घुमाएंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अब देखते हैं कि और भी कौन कौन से सीरियल के एपिसोड आने बंद हुए हैं, सिर्फ बालवीर के ही हुए हैं या फिर दूसरे सारे सीरियल्स हैं उनके भी बंद हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करके आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल दूंगा। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या मैं सिर्फ सब टीवी के सीरियल्स के बारे में ये बताऊँ कि इसकी शूटिंग रुक चुकी है। शूटिंग तो खैर पहले ही रुक चुकी है, जो टेलीकास्ट नए एपिसोड आना है बंद हुआ है वो सिर्फ सब टीवी के एपिसोड के बारे में बताऊँ, या फिर जितने सारे टीवी सीरियल्स हैं या फिर जितने सारे चैनल्स हैं उन पर भी बहुत सारे चल रहे हैं ना, तो उनके भी रुक चुके हैं किसी किसी के, किसी के नहीं रुके हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको पूरा लिस्ट कलेक्ट करके वो बताऊंगा। वैसे मैंने अभी कलेक्ट नहीं किया है, लेकिन आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं पूरा लिस्ट निकाल के आपको दूंगा। बस इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहना था, एक छोटा सा अपडेट था कि बालवीर का अभी अपडेट नहीं आने वाला है। आपको वेबसाइट पर भी अभी कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि शूटिंग तो पहले रुक चुकी है और अभी ये भी रुक गया है। तो अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। हम बस यही दुआ करते हैं कि ये जो भी चीज़ें चल रही है, ये कोरोना वायरस, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। इसी में हम सब की भलाई है, देश फिर से आज़ादी से जी सकेगा। आज़ादी मतलब कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, भूखमारी हो चुकी है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं। चलो मानते हैं कि सरकार ने जो दुकानें हैं वो खुला रखने दिया है, कि कुछ दुकानें जो डेली नीड्स है वो खुला रहेगा, वो खुला रहता है, लेकिन लोगों के पास पैसे तो होने चाहिए ना। सरकार ने ये भी कहा है कि जो लोग सैलरी में हैं उन लोगों को आप सैलरी दें छुट्टी पर रख करके, वो बात ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो डेली काम करके डेली खाते हैं। कोई भी फिक्स बॉस नहीं है कि इनसे ही हमें पैसे लेने, उनका अलग अलग जगह का काम होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और बहुत सारे लोग जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग कैसे हैं कि हम लोग जितना, हम लोगों का कैसा है कि जितना माल रेडी होता है, जितना पीस होता है, वो हम जितना काम करेंगे उस हिसाब से हमें पैसे दिए जाते हैं। तो अब अगर हमें कोई छुट्टी दे दे तो हम जब पीस नहीं बनाएंगे, वो चीज़ें उनका काम नहीं करेंगे, तो पैसे हमें नहीं देंगे, चाहे सरकार जितना भी कह ले। हो सकता है कुछ जगहों पर उनको पैसे मिल भी जाएं, लेकिन सब जगह ये पॉसिबल नहीं है। तो उन लोगों का बहुत बुरा हाल हो चुका है, शायद मेरा भी बहुत बुरा हाल हो जाता अगर मैं अभी शहर में होता। मैं गाँव में आ गया उसके बाद मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें हो गई है। जैसे मैंने एक ब्लॉग भी डाला था, आपने अगर नहीं देखा है तो आपको उस ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया है जो कि उस दिन कितना ज़्यादा भीड़ था। फिर भी मैं आ तो गया था, तो उस दिन आ गया तो ठीक रहा, वरना मैं आ भी नहीं पाता, पता नहीं वहाँ पर मेरा क्या हाल होता। फिर भी अगर चलिए बस इतना ही कहना था मुझे इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर आप एक बार चेक कीजिए, इसमें आपको बहुत सारे टेलीविज़न के अपडेट्स मिल जाएंगे और भी दूसरे सारे हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलेंगे। बस इतना ही कहना था मुझे, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।